जो जो तेरा हुक्म तिवे त्यों हो बड़ा। जो जो तेरा हुक्म तिवे त्यों हो बड़ा। जय जय राखे आप ते जाए खड़ोवना। जय जय राखे आप ते जाए खड़ोवना। जो जो तेरा हुक्म तिवे त्यों हो वड़ा। जिनी पछाता हुक्म, जिनी पछाता हुक्म तिन का देना रोवणा। जो जो तेरा हुक्म तिवे त्यों हो वड़ा, तिवे क्यों हो वड़ा। कहो नानक जिन हुक्म पछाता। कहो नानक जिन हुक्म पछाता। प्रभु साहिब का, प्रभु साहिब का तिन पेद जाता। प्रभु साहिब का तिन पेद जाता। कोई बोले So now we are entering into the third dimension, जो जो एक सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन है नानक की देशना की। जैसा भी आनंदी ने गाया शब्द हुक्म, तो बाणी में नानक एक जगह बोलते हैं, खुद ही बोल रहे हैं वो, एक डिसाइपल का प्रश्न जैसा समझ लो, वो खुद ही बोल रहे हैं कि वो सच्चियारा होइए। इसका मतलब होता है केव सच्चियारा। केव मतलब कैसे, सच्चियारा मतलब सत्य, ट्रुथफुल होइए, हो जाओ। मैं कैसे सत्य को पालूं, सत्य को जान लूं, सत्य को रिमेम्बर कर लूं हर समय, मैं कैसे करूं ये सब। फिर उसी बात का आंसर दे रहे नानक आगे, कह रहे हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, कि जैसा हुक्म है उसमें तू रजा, उसकी रजा में आ जा। तू हुक्म के हिसाब से चल, अपना जीवन व्यतीत कर, नानक लिखिया नाल। क्योंकि ये जो हुक्म है ये नानक ने इस पृथ्वी के, इस सृष्टि के जर्रे जर्रे में लिखा है ये हुक्म। तो तू इस हुक्म की रजा में आ जा। तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं किव सचियारा होइए, फिर उसका आंसर देते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। बात तो समझ में आ गई, बट नहीं भी आए, क्यों नहीं आए, क्या है ये हुक्म। बोल तो दिया हुक्म रजाई चलना, इस प्रकृति के जर्रे जर्रे में हुक्म लिखा है। हुक्म मतलब द लॉ, द कमांड, बट क्या है ये लॉ, ये कमांड, ये मैं कैसे जानूं। मैं जीना चाहता हूं हुक्म के अनुसार, बट ये हुक्म क्या है। मैं उस सत्य में जीना चाहता हूं, बट ये हुक्म क्या है। सिर्फ 5 मिनट इस पर बात करूंगा क्योंकि ये एक गहरा विषय है, बट जस्ट टू गिव यू सम हिंट्स अबाउट दैट। ये पूरी सृष्टि कुछ नियमों के हिसाब से चलती है। यहाँ फिजिक्स के नियम है, न्यूटन एप्पल गिरा जमीन पे आया, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फिजिक्स का नियम है। यहाँ बायोलॉजी का नियम है कि यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से खून निकलेगा, स्त्री पुरुष मिलेंगे तो एक बच्चा होगा। यहाँ केमिकल का नियम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी बनेगा। नियम है, आप इसका कुछ कर नहीं सकते, आप इसको बदल भी नहीं सकते।
इसी तरह साइकोलॉजी के नियम है यहाँ पे कि मैं अगर सभी लोगों को बुरा ही बोलूंगा तो मेरा माइंड, मेरा थिंकिंग पैटर्न नेगेटिव बनने लगेगा. इफ आई थिंक टू मच ऑफ नेगेटिव देन आई विल स्टार्ट टू बिहेव, एक्ट एंड लिव वेरी नेगेटिव. हाँ, साइकोलॉजिकल नियम. आप आजकल वो जो वेलबींग एक्सपर्ट हैं, डिप्रेशन के एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस. ये बुद्धा ने 2500 साल पहले बोली थी ये बात. बाय द वे, एज योर थॉट्स सो विल बी योर लाइफ. तो ये साइकोलॉजी के नियम है. इसी तरह स्पिरिचुअल जगत के भी नियम है. तो नानक ने कहा हुक्म रजाई चलना. तो इन सब हुक्मों के हिसाब से अपना जीवन अगर तू चलाएगा तो तू सत्य पे एकदम सत्य मिला ही हुआ है फिर तुझे. एग्जाम्पल, मैं नौकरी करता हूं, मेरे महीने का खर्चा तो 15,000 से पूरा हो जाता है, बट मुझे नौकरी चाहिए 1,00,000 रुपए वाली, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर में कब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाए, पता नहीं कब पैसों की जरूरत पड़ जाए. इनसिक्योरिटी. मेरी आज की जरूरत सिर्फ 15,000 है. अब ये जो इनसिक्योरिटी है, इस इनसिक्योरिटी, ये एक साइकोलॉजिकल हुक्म, ये साइकोलॉजिकल नियम है, ये साइकोलॉजिकल लॉ है कि जैसे ही तुमने इनसिक्योरिटी को अपने जहन में पनपने दिया, ये तुम्हारी आज की खुशी को तबाह कर देगा. दिस इज अ लॉ, ये हुक्म है. अगर तुम ऐसा करोगे तो उसका ऐसा रिजल्ट आने वाला है. अगर तुम किसी भी वस्तु व्यक्ति पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो स्लेवरी होने वाली है तुम्हारे भीतर. तुम धीमे धीमे अपनी अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम को भूल बैठोगे, छोड़ दोगे, वो तुमसे ले लिया जाएगा. ये हुक्म है. तुम लस्ट को अगर प्रेम का नाम दोगे तो तुम दुख पाओगे. ये हुक्म है. तुम रिलेशनशिप में किसी को बांधने की, पकड़ने की कोशिश करोगे, तकलीफ पाओगे, वो व्यक्ति तुमसे इवेंचुअली छूट जाएगा. ये हुक्म है. कोई व्यक्ति तुम्हें दबा रहा है, कोई व्यक्ति तुम्हारे तुम्हारी यात्रा को उठा नहीं रहा, कोई तुम ऐसे रिलेशनशिप में हो जो रिलेशनशिप तुम्हारी ऊर्जा को उठा नहीं रहा, तुम्हारी ऊर्जा को गिरा रहा है, बट फिर भी तुम उस रिश्ते में, उस रिलेशन में फंसे रहो, बंधे रहो, तो तुम बहुत दुख पाने वाले हो, तुम तड़पने वाले हो. ये हुक्म है. तुम इस बिल्डिंग से भी छलांग लगा दो, ग्रेविटेशन है, तुम्हारी टांग टूटने वाली है. ये हुक्म है. तो नानक ने कहा जो पंक्ति आनंदी ने लास्ट में पढ़ी, कहो नानक जिन हुक्म पछाता. कि नानक कह रहे हैं, कहो नानक, नानक इज सेइंग, जिन हुक्म पछाता, द वन हु हैज अंडरस्टूड दिस हुक्म, दिस लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता. प्रभ साहिब मतलब परमात्मा का, इस पूरे कॉस्मोस का तिन भेद जाता. भेद मतलब राज. कहो नानक, नानक इज सेइंग कि जिसने इस हुक्म को पहचान लिया, समझ लिया, जान लिया, इस पूरी प्रकृति का सारा रहस्य उसके सामने खुल जाएगा. इस प्रकृति को हम परमात्मा भी बोलते हैं. तो प्रभ साहिब, परमात्मा को साहिब बोल रहे हैं. प्रभ साहिब का तिन भेद जाता, सिर्फ उसी को इस पूरी सृष्टि प्रकृति परमात्मा का भेद रहस्य समझ में आ पाएगा. तो अगर तुम्हें इस पूरी प्रकृति परमात्मा के रहस्य को जानना है, और रहस्य मतलब मिस्टिसिज्म, मिस्टिसिज्म है ये एक सब बहुत, लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल मिस्टिसिज्म. कुछ मिस्टिकल सा है यहाँ पे, कुछ है भी और नहीं सा भी, सपना है भी और रियलिटी भी है, तो एक रहस्य है इस पूरी प्रकृति में. तो कहो नानक जिन हुक्म पचाता, प्रभ साहिब का तिन पेत जाता. मंत्र बना लेना इस बात को. ये सूत्र है आज के सत्संग का, सबसे अहम सूत्र आज के सत्संग का, कि तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगा वो रहस्य, तुम्हें ग्रंथों में नहीं मिलेगा वो रहस्य. नानक कह रहे तुम्हें तपस्या में भी नहीं मिलेगा वो रहस्य, ऑस्टेरिटीज नहीं मिलेगा. नानक तो यहां तक जाके कह रहे हैं कि तुम्हें किसी योग में, किसी वेद में भी वो रहस्य नहीं मिलेगा. जितना मर्जी करो, पढ़ पढ़ पोथी पंडित होए, तुम जितना मर्जी पोथियां पढ़ लो, तुम जितनी मर्जी क्रियाएं कर लो, तुम जितनी मर्जी टेक्निक्स कर लो, तुम जितने मर्जी आसन कर लो, व्हाइल ऑल ऑफ दैट हैज इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, मगर ये रहस्य नहीं पता चलेगा. आसन शरीर और मन के लिए बहुत सुंदर है, ग्रंथों को पढ़ना तुम्हारे माइंड को एक्सपैंड करने के लिए बहुत सुंदर है. तो उन सभी चीजों का
एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है फॉर श्योर। हाँ, मगर अगर तुम वो सब चीजें कर रहे हो इस वजह से कि तुम्हें भेद पता चल जाए, तुम्हें परमात्मा का रहस्य पता चल जाए, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि उस रहस्य को जानने के लिए कहो नानक जिन हुक्म पछाता, तुम्हें अपने जीवन की सारी ऊर्जा लगानी होगी इस हुक्म को ए जानने में, बी जीने में। बहुत बार तुम हुक्म जान लेते हो बट जीते नहीं उसके हिसाब से, तो हुक्म काम नहीं करेगा फिर। तुम्हें हुक्म जानना होगा, तुम्हें हुक्म जीना होगा, और ये रहस्य तुम्हारे सामने स्वयं चल के आएगा। फिर तुम्हें रहस्य की खोज नहीं करनी होगी।